ताकि हम हमारी जो विचार यात्रा है इसको आगे जारी रखें। जिस उद्देश्य से निशान सिंह फौजी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां से घर पे, तो साथियों जहां कहीं भी बात होगी किसान की, जहां कहीं भी बात होगी जवान की, तो डिंग मंडी का युवा आपके आगे खड़ा तैयार मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूले कितने फांसी पे थे, कितनों ने गोलियां खाई थी, भारत के वीर शहीदों ने खून की होली खेली थी, समर्पित आजाद भारत भगत की टोली थी, मरते मरते भी ने छोड़ी वो इनकलाब की। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे। मेरा नाम गुरदित्ता कंबोज, अखिल भारतीय किसान सभा जिला का वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारा जो धरना 80 दिन से चल रहा है उस सरपाता ताकत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो 80 दिन पूरे हो चुके हैं और उसको देखते हमने आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। इस रोष प्रदर्शन के बीच में रख के हमारे जो शहीदों की याद करते, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है किस गूंगीबेरी सरकार के खिलाफ लड़ने का, जो हमें उन्होंने शिक्षा दी है उसके ऊपर चलते हैं। और आगे का हमारा अगर कार्यक्रम जो हम आपको बताना देना चाहते हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज ये जो हम शहीदी दिवस मना रहे हैं उसके सामने हम शपथ लेते हैं पूरी के पूरी हमारी जो कमेटी है कि हम आगे का जो कार्यक्रम जो है, जो जितने भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो नेतागण हैं, हम ये विश्वास दिलाते कि यहाँ उनको हम घुसने नहीं देंगे, हम वोट भी नहीं देंगे, उनको आने भी नहीं देंगे। ये हम आगे का हमारा कार्यक्रम है। और हमारी कमेटी जब 4 दिनों के अंदर फैसला लेगी, वो 10 दिनों में ले या 5 दिन, अगर वो कोई भी हमारा नेता किसी भी तरीके का हमारे गांव में, या 26 गाँव में हमारे जो हमारे साथ 16 गाँव दूसरे भी, वो पूरे के पूरे 26 गाँव, हम इन नेतागण को बीच में नहीं घुसने देंगे और हम वोट में नहीं डाले देंगे। ये प्रजातंत्र की जो बात कर रहे हैं सरकार, हम हमें इसीलिए आज इस ये प्रजातंत्र यहाँ पर सामने हमारा लिख रखा है, लोकतंत्र बचाओ। ये लोकतंत्र की क्या बात कर रहे हैं, ये जो लोग बैठे ये लोकतंत्र की बात है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये इनका मौका हमारा रद्द कराया जाए, नहीं वरना हम ईंट से ईंट खड़का देंगे और अपनी खून की बाजी लगा देंगे। ये हमारा आज का जो विषय ये हमारा पक्का है। हाँ, मैराथन की रखी जो रखी गई है वो बहुत अच्छी है। वो हमारे नौजवान साथी जो मैराथन के बीच में हमारे बीच में लेके हैं, वो हमारे को समर्थन भी करना है किसानों को। और मैराथन तना की जो बढ़िया जो रखी है उसका हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे। से जो हमारे यहाँ मीडिया पर आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे, हम भी 45 दिन में DC ऑफिस में बैठे हैं और मेरे शक्लें याद हो गई हैं, घर के मेंबर जैसे हो चुके हैं भी, जो हमारे 45 दिन तक संभालते थे। हमारी सरकारों ने तो हमें नहीं संभाला, जो सरकार को माँ कहते हैं माँ ने तो हमें नहीं संभाला, लेकिन हमारी बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने और मीडिया ने हमें संभाला, जो देश विदेश तक हमारी ये मांग है इसको पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं छोटे में बात करूँगा, दूसरी बात ये है कि हम आपको पता ही है 15 गाँव DC ऑफिस में हम 45 दिन से बैठे हैं और इस दौरान ये 11 गाँव ने हमारा समर्थन दिया था। पीछे से हमने 9 तारीख को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, उस टाइम भी इन्होंने हमारा साथ दिया था और ट्रैक्टर लाने के लिए कहा था, लेकिन हमने इनको कह दिया था भी नहीं प्रधान जी, हमें अपने लेवल पर भी करना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा हमारा ट्रैक्टर मार्च बहुत बढ़िया निकला था और बड़ी संख्या में होता। मैं आज मीडिया के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 15 गाँवों की जितनी भी किसान संघर्ष कमेटी है और 15 गाँवों के मेंबर्स आह्वान हैं, हमने सब ने मिलकर पहले भी फैसला लिया था और आज फिर यहाँ पर आकर हम ये फैसला लेते हैं कि हम 11 गाँव के साथ हैं। हमारे 15 गाँव के संघर्ष कमेटी के 30 मेंबर प्लस 15 गाँव के जितने भी मेंबर हैं, और ख़ासकर हम गांव-गांव में जाकर हमारी माताओं बहनों को भी हम कह रहे हैं कि हमारा साथ दें और ऐसी सरकार के खिलाफ सभी को उजागर किया जाए कि जो 15 साल से हमारी मांग है वो नहीं पूरी हो रही, और इन हमारे बाजे काम वालों की भी जो जायज़ मांग है, पानी तो पहले टाइल पे नहीं आता, BNW बन बंदोरी जो माइनर है इसके अंदर पानी तो पहले नहीं आता, इसके लास्ट में मैं भी पढ़ता हूँ जो मेरा गांव नटार है ना, लास्ट में टेल पे मैं पढ़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो मैंने वहाँ पानी नहीं देखा, बाजे का तो कहाँ पानी पहुँचेगा जी। तो अगर यहाँ पर ये मौका भी लग जाता है तो पानी की तो पीने की किल्लत आज तक नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे जी। और मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ भी ऐसा काम मत करो, पानी तो पीने को नहीं दे रहे और पीने योग्य नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जितने भी ये अपने
पब्लिक हेल्थ द्वारा वाटर वर्क्स बनाए हैं, किसी में पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, और फिर भी अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो ये किसानों के साथ बहुत अन्याय है। किसानों का ये दम घोटने का काम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि सांस रोक दो आदमी अपने आप मर जाएगा, ना गोली की ज़रूरत है ना बंदूक की ज़रूरत है, ऐसा ही शायद ये सरकारें कर रही है कि किसानों का दम घोट दो, पानी नहीं होगा, खेती नहीं होगी और ये भूखे प्यासे मरेंगे, इनकी आमदनी ख़त्म होगी। शायद हमारे किसानों को मारने का ये एक नया तरीका और ये एक नया हथियार आयात किया है, बस इतना कहता हुआ। और बहुत मेरे साथी हैं ऐसे जी, ये मीडिया हमारे बच्चे पहले ही मेरे से लेके जाते हैं बाइट, तब भी कहता हम इसका बहिष्कार करेंगे, लेकिन अभी हमने ये 5 दिन का टाइम दिया है सरकार को और प्रशासन को कि 5-7 दिन के अंदर हमारी कोई मीटिंग या हमें कोई अच्छा सा उसका मैसेज दिया जाए, नहीं तो हम भी बाइकाट इनके साथ करेंगे। हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं जी, हमारी बाइट कभी निकाल के देखना, हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं, लेकिन हम ये लगातार इनके साथ साथ देंगे, जैसा भी होगा हम अपना जो भी रणनीति है 5 दिन के अंदर अंदर हमारी राजनीति जो क्लियर कर देंगे। को मैं डिटेल देता हूँ, हम मनोहर लाल खट्टर जी से भी 3 मीटिंगें कर चुके हैं और उसके बाद 3 मीटिंगें हम उसके OSD बालकृष्ण भारती जी से भी कर चुके हैं और हमें आश्वासन ही देकर जा रहे हैं। हमारी बड़े लेवल पर मीटिंगें मेरी खुद की हुई हैं जी। उसके बाद ये तंवर जी से अब 4 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी, मेरी कमेटी के 3 मेंबर हम गए थे, मैं संयुक्त किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान हूँ, और उनसे भी ये बात हुई थी। उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था और 4 दिन के बाद हमने पूछा तंवर जी से और तंवर जी ये बोले कि नहीं 3 दिन हमें होर दो, कोई बात नहीं हमने 5 दिन दे दिए। भाई ऐसा कोई बंदा ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं दिया, हम टाइम दे रहे हैं, कोई नहीं 5 दिन और दे रहे हैं, हम वीर या शुक्रवार को ऐसा कोई ठोस फैसला लेने जा रहे हैं। पहुंच गया है, सारिया सर्दियां साडे पिंड दे किसानां ने इत्थे ठंड च ठंडिया रातां च गुआ बतीत कीतियां ने। अज जदों चोर ते कुत्ती रल जाण ते उत्थे चोरी होनी सुभाविक है। सरकार ने चोरां नाल रल के ये जिहड़ा मोगा रिकमेंड किया ना, इस नूं असीं जिहड़ा है ना ये चोर ते कुत्ती दा जिहड़ा आपसी खेल है असीं इहनूं सफल नहीं होण देंगे। असीं तद तक मरदे दम तक इत्थे डटे रहांगे। जिहड़ा सरसा मेजर तो मोगा जिहड़ा इन्हां ने मंजूर किया है, जदों तक इन्हां नूं उस नूं खारज नहीं करदे उदों तक असीं इत्थे डटे रहांगे। अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव की बरसी है, असीं अज श्रद्धा दे सुमन उन्हां नूं भेंट कीते है, करन आए हाँ। दूरों दूरों संगतां इत्थे चल के आईयां ने, उन्हां दा भी असीं धन्नवाद करदे हैं, पर समें रहिंदिआं सरकार कोल अजे समां हैगा, ये जिहड़ी साडी मंग ते गौर नहीं करदी ते असीं इन्हां दा आउण वाले चुनाव विच ऐसा बाइकाट करांगे कि इन्हां दे खेमे विच एक भी वोट नहीं पैण देंगे, इन्हां दा पुरजोर विरोध करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। रिटायर्ड प्रिंसिपल, इस जो हमारा 80 दिन से ये मोर्चा चल रहा है, इसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। हमारी एक ही मांग है कि जो नाजायज़ मोगा लगाया गया है प्रशासन की तरफ से धक्काशाही करके राजनीतिक दबाव में आकर, उस मोगे को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा आज हम 80 दिन से हैं, जैसे हमारे दिलीप भाई ने कहा था कि 800 दिन भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम बिल्कुल बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, मरण व्रत तक हम रखेंगे, और इस मोगे को हम किसी ढंग हिसाब से भी यहाँ से नहीं जाने देंगे, इस पानी को। ये भी हमारे हीरा सिंह जी ने कहा था कि बन मंदोरी माइनर नहीं, उनका पानी खाजा खेड़ा माइनर से जाता है, जहाँ टेल पर पानी कभी पहुँचा ही नहीं है, और वो खाजा खेड़ा माइनर जो है वो सिरसा मेजर की ही एक शाखा है, और सिरसा मेजर से ही ये मोगा जो है वो मंजूर किया गया है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। यदि उसको रद्द नहीं किया जाता तो हम हर स्टेज पर इस सरकार का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे, इलेक्शन का इनके खिलाफ हम हर तरह से प्रभाव इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, इन्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे, और इस मौके को जब तक रद्द नहीं होता हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, बैठे रहेंगे। धन्यवाद जी। जब तक ये मौका कैंसिल नहीं होगा, चाहे हमें 800 दिन बैठना पड़े, हम जान की बाजी लगा देंगे, पानी का मौका नहीं जाने देंगे, ना आगे पानी डेरे वाले को आगे जाने देंगे।
सरकार के खिलाफ हम वोट डालेंगे, इस तंवर को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। सारा किसान एकता सारे इकट्ठे हैं और साथ ही रहेंगे।